गैरी किचन में आप सबको स्वागत है। मैं युवराज गैरी। आज मैं बनाने वाला हूँ पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए हमको जो चाहिए है, हमने दो गड्डी पालक लिया है। ये आप देख सकते हैं, दो गड्डी पालक को साफ करके इसको हमने साफ करने के बाद दो कली लहसुन का और एक टुकड़ा अदरक का पतला पतला लंबा लंबा काटे हैं। हरी मिर्ची आप देख सकते हैं, हरी मिर्ची, और इसको थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डाल के बॉइल किया है। बॉइल करने के बाद हमने गर्म पानी फेंक के ठंडा पानी में डाला है इसका, ताकि इसका कलर हरे का हरा रह जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम कितना हरा हरा ग्रीन ग्रीन कलर है। और ये बनाने के लिए हमको चाहिए एक प्याज। प्याज मैंने बारीक बारीक काट के रखे, आप देख सकते हैं, एक प्याज लिया था मीडियम साइज का। और मैंने 6-7 काजू का भिगोया, मैंने काजू डालने वाले हम इसमें। और ये एक तेज पत्ता, एक दालचीनी लिया है मैंने एक टुकड़ा, और दो कली लहसुन का लिया है हमने, उसमें भी डाले हैं दो, और ये दो लिया है। ये हम बनने के बाद ये तड़का देंगे लहसुन को, थोड़ा घी में भुनने के बाद। और मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। सबसे पहले तो हमने जो है ये बनाने के लिए पहले एक कढ़ाई लिए है और गैस चालू करते है। आप देख सकते हैं हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। हमें इसमें 2 चम्मच, ये मीडियम साइज का चम्मच है, 2 चम्मच इस पे हम घी डाल दिए। आप देख सकते हैं घी डाले हैं और इसको गर्म होने देंगे। चम्मच का आधा छोटा चम्मच का आधा चम्मच जीरा, ये देखिए, जब तक हम साथ साथ में ये एक टुकड़ा दालचीनी का और ये तेज पत्ता का, बहुत बड़ा पत्ता है, इसको धो करके डाल देंगे। ये देखिए, ये जो है, देखिए ये जीरा भी ब्राउन हो गया है और ये तेज पत्ता और दालचीनी भी ब्राउन हो गया। अभी हम ये एक प्याज काट देंगे जो काट के रखे थे हमने बारीक बारीक। ये देखिए, इसको हम ब्राउन होने देंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक हम ये इसको, ये जो हमारा बॉयल पालक है, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची, इसको पीस देंगे मिक्सर में। ये देखिए, अभी हम इसको पीस देते हैं। बारीक नहीं करना है हमको, हमने पीस दिए। ये देखिए कितना मस्त पीसा गया है। और हमने जो काजू भिगोए थे इसको भी हम अभी पीस देंगे। इसको भी हमने छोटा मिक्सर में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मिक्सर में घूमे। ये हमारा थोड़ा ही है काजू। ये देखिए अभी हम इसको भी पीस देंगे। हमारा प्याज आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे छोटा चम्मच का आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, चुटकी भर थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भर डालेंगे हल्दी। बस इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। और हमने जो काजू पीस के रखे हैं काजू, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, ये इस पर डाल देंगे। ये देखिए देख सकते हैं, हम इसको भी इसमें डाल दिए और थोड़ा सा हम इसको धो के डाल देंगे। 2 चम्मच पानी इसमें डाल के धो के हम इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसको हम 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे और अच्छा से ये काजू का पेस्ट भी पक जाएगा। 2-3 मिनट इसको भूनेंगे हम। देख सकते हैं कि हमारा काजू का पेस्ट भी अच्छा से भुना गया। देख सकते हैं ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया, वाइट से गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी हम ये हमने पीसा हुआ पालक डाल देते हैं इससे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमने जो पालक पीसी हुई डाल दिए और इसको हम धीमी गैस में 5 मिनट के लिए रख देंगे धीमी गैस में, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। बस इसको हम भी इसमें ढक्कन ढक देते हैं, और जब तक ये जो पालक का पानी सूख जाएगा तब तक हम ये जो पनीर काट के रखे हैं हमने, आप देख सकते हैं हमने जो 250 ग्राम पनीर लिए थे, ये पनीर सेकने के लिए फ्राई पैन में गैस चालू कर दिए और इसमें छोटा चम्मच का 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। ये देखिए, आप घी के जगह ऑलिव ऑयल, तेल, कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने इस पे एक पालक पनीर में ऐसे घी अच्छा लगता है और घी में अच्छा बनता है पालक पनीर, इसलिए मैंने छोटा चम्मच का 1 चम्मच घी डाल दिया और इस पे हम जो काटे हुए पनीर के रख देंगे। ये देखिए हम इसको रख देंगे, देख सकते हैं। आप इसको बगैर सेके भी डाल सकते हैं और डीप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। डीप फ्राई करके पानी में, सादा पानी में डाल के तो भी डाल सकते हैं। अगर बगैर सेके भी आप ऐसे कच्चा भी पनीर डाल सकते हैं। देखिए हमने एक तरफ का हमारा हो गया, इसको हल्का हल्का सेकना है, हमको ज़्यादा सेकना नहीं है। इसको हम एक एक करके पलटी कर देते हैं। ये देखिए ऐसा करके एक एक हम पलटी कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी पलटी कर सकते हैं। देखिए
तीन मिनट हो गया है, हम ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखिए हमारा पालक अच्छा से हो रहा है, इसका पानी लगभग सूख चुका है और पालक भी अच्छा से पक जाएगा। इसको और दो तीन मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पनीर सेकी हो गया है। बहुत ज्यादा हमको ये ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का सेकना है। हमने सेक दिए, अभी हम इसको गैस बंद कर देते हैं और ये हम बस इस पे डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हम ये डाल दिए पालक पनीर, पनीर में पालक में डाल दिए। ये हमारा पालक पनीर बन गई है और अभी हमने पनीर गरम गरम डाल दिए है। इसको धीरे से हिलाएंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा। छोटा चम्मच का एक चम्मच हमने घी इसमें डाल दिए और हम इसमें थोड़ा सा ये हमने दो कली कटी हुई लहसुन थी जो हम बाद में तड़का देने वाले थे, ये जो हम अभी इसी में डाल देंगे जिसमें हमने पनीर सेका है, इस पर हम भुनेंगे। ये आप देख सकते हैं लहसुन देखिए मस्त ब्राउन हो गया, इसको अच्छा से ब्राउन करना था हमको, ब्राउन हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम छोटा चम्मच का आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर हमने इसमें डाल देंगे और हम ये देखिए ये पालक पनीर में डाल देते हैं हम, ये देखिए, और इसको हम सब अच्छा से इसमें डाल देंगे। पैर से मिक्स कर देते हैं ताकि हमारा पनीर टूटे नहीं। पनीर हमारे पास काफ़ी पनीर काफ़ी सॉफ्ट था, नरम था। इसको हम पैर से हिला देंगे और खाली बस एक मिनट हम ढक्कन देके रखेंगे इसको। एक मिनट बाद हमारा पालक पनीर एकदम रेडी हो जाएगा। एक मिनट के लिए स्लो गैस में हमने रख देंगे। एक चम्मच हम इस पर क्रीम डालेंगे। अभी ये देखिए इसको क्रीम अच्छा से मिक्स हो गया है। अभी हम इसको गैस बंद कर देते हैं, अभी हम बॉल में निकालेंगे। कि हम बॉल में निकाल रहे हैं, ये देखिए हमारा पालक पनीर, देख सकते हैं हमारा पालक पनीर बनके एकदम रेडी है। देखिए कितना मस्त ग्रीन ग्रीन एकदम मस्त पनीर लग रहा है पालक पनीर। और आप भी ये रेसिपी से बनाइएगा, खाइएगा और अपनों को सबको खिलाइएगा। आपने मेरा वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब किए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।